डाउटनेट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा अध्याय जो नया स्टार्ट हुआ था, हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, पुष्पीय पादपों का शरीर यानी एनाटॉमी, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां बताई थी। मैंने आपको बताया था कि ऊतक क्या होते हैं, ऊतक की परिभाषा दी थी, टिश्यू की बारे में बताया था, फिर ये बताया था कि पादपों में जो ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया के बारे में बताया जिसका नाम था विभेदीकरण, याद आ रहा है? दो प्रकार की कोशिका बताई, एक अविभेदित कोशिका और एक विभेदित कोशिका। समझ में आया था? भूले तो नहीं है? रिवाइज कर लिया ना पिछला लेक्चर? क्योंकि आज जो पढ़ाऊंगा वो कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर से संबंधित है मेरे भाई, ठीक है? समझना इस चीज को, ठीक है? आइए बेटा जी, आज हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था दो प्रकार के ऊतक है, विभेद्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक, बताया था ना? तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा जी कौन से ऊतक की, विभेद्योतक ऊतक की, ठीक है? और से संबंधित आएंगे क्या प्रश्न लास्ट में क्विज में, ठीक है? चलें आगे, आइए बेटा जी, पहला चीज वो ये, आप अच्छे तरीके से जानते हैं हम चैप्टर का नाम क्या, पुष्पीय पादपों का शरीर है, ये मैंने आपको बता दिया। जब हम शरीर की देखते हैं तो हमें पता लगता है ऊतक के बारे में, ऊतक मैंने आपको बता दिया दो प्रकार के हैं, विभेद्योतक और स्थायी। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले विभेद्योतक ऊतक के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है? ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। आइए सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान से सुननी है और समझनी है वो ये मेरिस्टेमेटिक शब्द, ये विभेद्योतक शब्द किसने दिया था? तो याद रखना बेटा जी, विभेद्योतक शब्द एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कार्ल नागेली, भूलना नहीं है बेटा जी, किसने दिया था, कार्ल नागेली, वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने शब्द प्रतिपादित किया था, टर्म दी थी, शब्द दिया था, कौन सा, विभेद्योतक। भूल मत जाना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और लगे हाथ में एक और चीज और आपको बता दूं, एक और बता दूं बात, क्या हमने देखा था ना पादपों में ऊतक कितने प्रकार के हैं, दो ना, कौन कौन से, विभेद्योतक और स्थायी, ये भी चीज किसने बताई थी, कार्ल नागेली ने। ये लो साहब एक और चीज याद रख लेना, क्या इन्हीं कार्ल नागेली ने पादप ऊतक के प्रकार बताए थे, ये भी याद रखना, यानी कार्ल नागेली जो है ना, उनसे संबंधित दो चीजें आपने यहां पर याद रखनी है, क्या कि पादप ऊतक दो प्रकार के हैं, एक विभेद्योतक ऊतक और एक स्थायी ऊतक, ये किसने बताया, पादप ऊतक के प्रकार किसके, किसने बताए, कार्ल नागेली ने, और इन्हीं कार्ल नागेली ने जो दो प्रकार बताए ना, उसमें से जो पहला प्रकार हम पढ़ने वाले हैं विभेद्योतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मेरिस्टेम शब्द जो है, ये विभेद्योतक शब्द जो है, ये भी किसने दिया, कार्ल नागेली ने, बताएं, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया, चलें आगे। अब नेक्स्ट, जल्दी से मुझे बताएं विभेद्योतक ऊतक की कोशिकाओं की खासियत क्या थी, मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको याद है पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि विभेद्योतक ऊतक की खासियत क्या थी, जरा सोचिए, भूले तो नहीं है, क्या ये स्थायी ऊतक से कैसे अलग थे, विभेद्योतक ऊतक कैसे अलग थे, जरा सोचिए, विभेद्योतक ऊतक यानी इनकी कोशिका, याद करिए, इनकी कोशिका लगातार विभाजन करती है, लगातार विभाजन करती हैं, भूलना नहीं है, लगातार क्या कर रही है मेरे बच्चों, विभाजन कर रही हैं, किनकी कोशिका, विभेद्योतक ऊतक की कोशिका, इतनी सी बात समझ में आई। तीसरा बिंदु ध्यान से सुनना बेटा जी, ये जो विभेद्योतक ऊतक की कोशिकाएं, ये विभेदित थी के अविभेदित थी, जरा याद करिए, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं और ये भी बोला था कि जो अगला लेक्चर आएगा वो आने से पहले एक बार पिछला लेक्चर वापस से दोहरा लेना ताकि वो चीजें रिवाइज हो जाए, याद आ रही है, ये कैसी कोशिकाएं थी, ये अविभेदित ऊतक होता है,
कैसा ऊतक होता है बेटा जी? अविभेदित। अविभेदित का मतलब अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड, जो एक निश्चित कार्य नहीं कर रहा, बस विभाजन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है और बदलता जाएगा। किस में बदलता जाएगा? स्थायी ऊतक में। सिंपल सा मीनिंग समझ में आया, क्लियर है? चले आगे। अब इसको ना एक तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखो देखो, मान लो इस तरीके से समझना, देखना, ये एक कोशिका है, ध्यान से सुनना, ये एक कोशिका है, ठीक है? ये है हमारी कौन, हमारी विभज्योतक ऊतक, ये एक कोशिका है, ठीक है बच्चे? अब इस एक कोशिका ने विभाजन किया, दो बनाई, बनाई। अब इन दोनों में से, ध्यान से सुनना, इन दोनों में से एक कोशिका बदल गई स्थायी ऊतक में, ये कौन रह गई? विभज्योतक रह गई। ये वाली किसमें बदल गई? स्थाई में। चलो जी, बदल गई स्थाई में, बदल गई। अब वो अपना एक निश्चित कार्य कर रही है, वो हमारी विभेदित कोशिका बदल गई है, ठीक है? अब ये क्या रह गई? एक, ये क्या रह गई? वापस से ये विभज्योतक ही तो थी। फिर अब इस विभज्योतक ने वापस से विभाजन किया, फिर दो बनाई, फिर दो में से एक वापस से स्थाई में बदल गई, फिर वापस से रह गई कौन? विभज्योतक। फिर ये वापस से विभाजन करी, फिर वापस से दो बनी, इनमें से एक क्या बन गई? स्थाई। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, अगर सारी की सारी विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अगर सारी बदल जाए किसमें? स्थाई में, तो फिर कैसे आएंगी नई नई स्थाई, कैसे आएंगी? अगर सारी की सारी, जरा सोचिए, सारी की सारी विभज्योतक अगर किसमें बदल जाए? स्थाई में। अगर बदल गई, बदल गई, तो फिर और स्थाई कैसे आएंगी? जितनी विभज्योतक थी वो तो सारी बदल गई, रही नहीं हमारे पास, तो है ना? इसलिए विभज्योतक का कुछ भाग भी बचा रहेगा, कि ये विभज्योतक इसने स्थाई बनाया, फिर रह गई, फिर बना दिया, फिर रह गई, फिर बना दिया, फिर रह गई, फिर। यानी एक पेड़ के अंदर जगह 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 पर क्या है? विभज्योतक ऊतक है, जो स्थाई बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। आई होप मीनिंग समझ में आया होगा, ठीक है? तो ये कैसी कोशिकाएं होती है, कैसा ऊतक होता है बेटा? अविभेदित ऊतक होता है, याद रखना, भूलना नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, जो जो विभेदीकरण करके, जो विभेदी करण, याद आ रहा है ये शब्द बताया था, याद आ रहा है मिस्त्री मजदूर वो सारे एग्जाम्पल बताए थे, जो विभेदीकरण करके, विभेदीकरण करके स्थाई ऊतक का निर्माण करता है। ये बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, ठीक है? जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है, कृपया करके उनसे अनुरोध है, पहला लेक्चर जरूर देखिएगा इस चैप्टर का। अगर आप सीधा दूसरा, पहला लेक्चर, चैप्टर नहीं, पहला लेक्चर जरूर देखिएगा इस अध्याय का। अगर आप सीधा दूसरा लेक्चर देखेंगे तो ये समझ में नहीं आने वाला है, तो पहला लेक्चर इंपॉर्टेंट था, ठीक है? तभी ये दूसरा समझ में आएगा। आइए, इतनी सी बात समझ में आ गई है, चले आगे। अब आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ये कितनी खासियत पढ़ ली हमने विभज्योतक ऊतक की, जरा जल्दी से सोचिए क्या क्या पढ़ लिया। विभज्योतक ऊतक शब्द किसने दिया? कार्ल नेगली ने। इन्हीं कार्ल नेगली ने दो प्रकार के पादप ऊतकों के बारे में बताया था। इनकी कोशिकाएं लगातार क्या करती रहती है? विभाजन करती रहती है, और विभाजन करती तो रहती है, विभाजन तो करती रहती हैं। कैसी होती है ये? ये अविभेदित कोशिकाएं होती हैं, जो मिलकर क्या बना रही है? अविभेदित ऊतक बना रही है। अब ये ऊतक जो होता है, ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है, किसमें? स्थाई ऊतक में। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? विभेदीकरण के द्वारा, ठीक है? चले आगे। कंफ्यूजन, अभी और एग्जांपल आएंगे, और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? चले आगे, तीन बिंदु हो गए, अब आगे चलते हैं बेटा। चौथा बिंदु किसका पढ़ रहे बेटा? इसी विभज्योतक ऊतक का चौथा बिंदु पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। इस विभज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, ध्यान से सुनना, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं बच्चे? याद रखना, छोटी होती हैं। बड़ी बड़ी नहीं होती हैं। इन विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं, यानी इनकी कोशिकाएं, यानी विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। पहला। दूसरा बिंदु देखिए, ये चौथे बिंदु के ही भाग हैं। ए कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, ए बी, ठीक है? कैसी होती है? छोटी होती है। दूसरा, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी
इन ऊतकों की, किन ऊतकों की, विभजोतक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो छोटी छोटी हैं। चलो जी, छोटी 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 और छोटी, ठीक है। और इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य मिलता है, सघन मिलता है। अब आप पूछेंगे सर सघन का मतलब? गाढ़ा, गाढ़ा, गाढ़ा मिलता है, गाढ़ा, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। कौन? कोशिका द्रव्य। बताए, सिंपल सा बिंदु समझ में आ गया। तीसरा, तीसरा ध्यान से सुनना बेटा जी, इनमें बड़ा केंद्रक मिलता है। बोला मत, क्या बोला बच्चों? इनमें बड़ा केंद्रक मिलता है, याद रख लेना इस चीज को। क्या? इनके अंदर जो केंद्रक मिलेगा वो बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत बड़ा केंद्रक होता है किसके अंदर? इन विभजोतक ऊतक की कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे, नेक्स्ट चौथा बिंदु। आप मुझे बताना, ध्यान से देखना और देखकर मुझे बताना जो मैं चीज अब आपको दिखाने वाला हूं। आप बोलेंगे सर ये क्या करा आपने, हटाया क्यों? कुछ समझा रहा हूं, देखना। बेटा इससे पहले जो मैंने कोशिकाएं दिखाई थी, क्या उन कोशिकाओं के बीच में खाली जगह थी? आप अच्छे तरीके से जानते हैं ना बेटा, ये देखो, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, इनके बीच में ये खाली जगह दिख रही है। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? अंतर कोशिकीय अवकाश बोलते हैं ना। अब आप मुझे बताएं, क्या इन कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश है कि नहीं है? आप बोलेंगे नहीं है, तो मैं यही बताऊंगा यहां पर क्या, कि विभजोतक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं मिलता। क्या? बिल्कुल भी अंतर कोशिकीय, बिल्कुल पास पास सिकुड़ रही हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल चिपकी हुई हैं। कौन? ये कोशिकाएं। ठीक है, तो ये सामान्य से चार लक्षण इस ऊतक की कोशिकाएं के समझ में आ गए हैं आपको। फिर से बोलूं, वापस से सुनना, पढ़ रहे हैं क्या? बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि ये चीज थोड़ी सी टफ पड़ती है, मैं वास्तव में बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत सही चल रहे हैं हम, अगर नहीं आ रहा है तो बार बार रिवाइज करना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बुक्स उठानी पड़ेगी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, वेल डन, वेरी गुड। क्या? विभजोतक ऊतक शब्द इन्होंने दिया, इन्होंने ही पादप ऊतक के दो प्रकार बताए। ये कोशिकाएं लगातार क्या करती रहती हैं? विभाजन करती रहती है। कैसी होती हैं? अविभेदित होती है। अविभेदित का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, जो विभेदीकरण करती हैं और बदल जाती है किसमें? स्थायी ऊतक में। ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब हमने यहां पर इस ऊतक की कोशिकाओं के कुछ लक्षण देखे, क्या क्या? छोटी होती है। कौन छोटी होती है? इनकी कोशिकाएं जो है, किसकी? इन ऊतकों की कोशिकाएं छोटी होती है। इनका कोशिका द्रव्य जो होता है वो सघन मिलता है, यानी गाढ़ा होता है। इनमें एक बड़ा सा क्या मिलता है? केंद्रक मिलता है। और इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं मिलता है। मेरे भाई इतनी सी बात समझ में आ गई है, तो चलें आगे। क्लियर है? पक्का? अब जो आगे की चीजें मैं बताने वाला हूं ना, कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि अब जो आगे पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बच्चों के लिए, तो बड़े प्यार से, आराम से, तसल्ली से सुनना। ये तो हमने इनकी कोशिकाएं देख ली, ये हमने इनके बारे में कुछ लक्षण पढ़ लिए। अब हम देखने वाले हैं विभजोतक ऊतक के प्रकार। क्या बोला हमने? विभजोतक ऊतक के प्रकार।
विभज्योतक ऊतक के प्रकार। देखिए विभज्योतक ऊतक जो होता है बेटा जी वो हमारा तीन प्रकार का होता है उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर बेटा? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी ओरिजिन के बेसिस पे उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार का होता है। पूर्व मेरिस्टेम, ठीक है, प्राथमिक मेरिस्टेम और द्वितीय मेरिस्टेम। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर क्या क्या है, देखिएगा बेटा जी एक पेड़ जो था ना, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पुष्पीय पादपों की बात कर रहे हैं। याद करिए पुष्पीय पादप पिछला अध्याय जब हमने पढ़ा था, एक नए पेड़ का जीवन की शुरुआत किससे होती है? बीज से होती है, होती है या नहीं होती है? जरा सोचिए, पुष्पीय पादपों की बात करें, बीज से होती है कि नहीं होती? आप बोलेंगे हाँ सर बीज। बीज में कौन था? कौन था बीज में? आप बोलेंगे सर बीज में कहीं भ्रूण था, याद आ रहा है? उस भ्रूण में सर प्रांकुर था, मूलांकुर था, था कि नहीं था? था ना। तो बेटा जी था क्या? इधर देखो, ये मान लो, इधर देखिएगा बेटा, ये मान लो बीज का आवरण है, बीज चोले, याद आ रहे हैं? और इस बीज के अंदर मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस बीज के अंदर ये है बेटा जी हमारा भ्रूण, और इस भ्रूण के अंदर जरा सोचिए ये द्विबीजपत्री भ्रूण है, इतना याद आ रहा है? दो बीजपत्र थे, ये भी याद आ रहा है, पढ़ा था। इसके अंदर ये वाला जो भाग जो था इसको हमने बोला था प्रांकुर, और नीचे वाले को बोला था मूलांकुर। बेटा प्रांकुर और मूलांकुर की कोशिका नहीं है क्या? ये क्या है? ये अंदर यहां पर कोशिकाएं तो हैं। प्रांकुर एक क्षेत्र है जहां पर कोशिकाएं मिल रही है, मूलांकुर एक क्षेत्र है जहां पर कोशिकाएं मिल रही है। तो ये जो प्रांकुर की जो कोशिकाएं हैं, प्रांकुर कोशिकाएं, प्रांकुर की जो कोशिकाएं हैं और मूलांकुर की जो कोशिकाएं हैं, सोच समझकर मुझे इतनी सी बात बताना, बस इतनी सी। प्रांकुर आगे चलकर किसका निर्माण करता है? बोलिए सर तने का। मूलांकुर आगे चलकर किसका निर्माण करता है? सर मूल का। क्या इन दोनों की कोशिकाओं के कार्य विभेदित हैं कि अविभेदित हैं? सोच कर बताओ, क्या प्रांकुर एक निश्चित कार्य कर रहा है? क्या कार्य कर रहा है? आप बोलेंगे सर ये ना हमारा प्रांकुर जो होता है ये हमारा तने का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है। सर मूलांकुर मूल का निर्माण करने के लिए, यानी दोनों का कार्य विभेदित है या नहीं है? यानी यहां की जो कोशिकाएं होंगी उनका कार्य यहां की कोशिकाओं से अलग है। अब इन प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण इस भ्रूण में हुआ होगा, और जिन कोशिकाओं ने किया होगा वो है पूर्व मेरिस्टेम, यानी ऐसी विभज्योतक। ध्यान से सुनना, विभज्योतक को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम। ध्यान से सुनना, जब एक बीज भ्रूणीय अवस्था में था, कौन सी अवस्था में था? भ्रूणीय अवस्था में था, तो उस भ्रूण के अंदर, उस भ्रूण में बीज के भ्रूण में कुछ विभज्योतक ऊतक मिल रहे थे जिनका नाम था पूर्व मेरिस्टेम। यानी ये जो भ्रूण है ना, देखिए इस भ्रूण के अंदर, इधर देखिएगा मेरे भाई, इस भ्रूण के अंदर ध्यान से देखिए, इस भ्रूण के अंदर ना कुछ कोशिकाएं रही हैं। क्या बोला? इस भ्रूण के अंदर क्या मिल रही है बच्चों? कुछ कोशिकाएं मिल रही हैं। ये देखो, ये कोशिकाएं थी अंदर, ठीक है। इन कोशिकाओं को ध्यान से सुनना, इन कोशिकाओं को बच्चों मैंने यहां पर बोला क्या? पूर्व मेरिस्टेम। ध्यान से, आराम से, तसल्ली से सुनना, ये बीज, बीज के अंदर भ्रूण, भ्रूण के अंदर, बीज के भ्रूण में क्या मिल रही है? कुछ कोशिकाओं का समूह जिसको हमने बोला है पूर्व मेरिस्टेम। यानी सबसे पहले जो मेरिस्टेम है उसका नाम है पूर्व मेरिस्टेम। इसको हम भ्रूणीय
विपजोतक भी बोलते हैं। याद रखना इसका दूसरा नाम, याद रखना भ्रूणीय विपजोतक भी बोलते हैं। थोड़ा सा इतना कॉमन सेंस लगा लीजिए, ऐसा विपजोतक जो किसके अंदर मिलेगा, भ्रूण में, है ना। अब ये भ्रूणीय विपजोतक या ये पूर्व मेरिस्टेम लगातार 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 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। आप बोलेंगे सर विभाजन करती जा रही है इसकी कोशिका, सर अंदर ही अंदर विभाजन होता जा रहा है, सर विभाजन होता जा रहा है, होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा है, कुछ इस तरीके से विभाजन हुआ, कुछ इस तरीके से विभाजन हुआ, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से विभाजन हुआ, देखना, कुछ इस तरीके से विभाजन हुआ कि कुछ कोशिकाएं ऊपर की तरफ यहां पर, कुछ कोशिकाएं ऊपर की तरफ और कुछ कोशिकाएं थोड़ा सा नीचे की तरफ। जो ऊपर वाली कोशिकाएं वो हैं प्रांकुर की कोशिकाएं, नीचे वाली कोशिकाएं हैं मूलांकुर की कोशिकाएं। जरा सोचिए विभेदीकरण हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलेंगे हाँ सर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलेंगे हाँ जी हुआ, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर सारा का सारा विपजोतक खत्म, मैं बोलूंगा कैसी बात कर रहे हो बेटा, जरा सोचिए अगर मैं विपजोतक सारा का सारा खत्म कर दूं तो आगे आगे और स्थाई ऊतक कैसे बनेंगे। तो हमें तो विपजोतक ऊतक पूरी जिंदगी भर रखना पड़ेगा एक पेड़ में, ठीक है। चलिए ये पूर्व मेरिस्टेम समझ में आ गया, चलें आगे। अब बेटा प्रांकुर क्या बनाएगा आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मूलांकुर क्या बनाएगा अच्छे तरीके से जानते हैं, आइएगा आगे चलते हैं। अब ये बीज होएगा अंकुरित, भ्रूण जो है वो आगे चलकर क्या बनाएगा देखिएगा, ये बना दी मूल और ये बना दिया तना। ध्यान से सुनना, क्या क्या बना दिया बेटा, मूल बना दी और तना बना दिया। ये हम नीचे ऐसे मूल बना देते हैं, ये मूल है और ये तना है। अब आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है हमने मूल की संरचना देखी थी पिछले अध्याय में, याद आ रही है मूल की संरचना में, याद करिएगा। बिल्कुल नीचे मूल गोप था बेटा, उस मूल गोप के पास में कौन सा क्षेत्र था याद करो, बताया था क्या नाम था, विपजोतक क्षेत्र था, था या नहीं था, था ना। अब सोचना और कॉमन सेंस लगाना, ध्यान से सुनना, ये पूर्व मेरिस्टेम अंदर मिल रहा था जिसने कहीं ना कहीं प्रांकुर का और मूलांकुर का निर्माण कर दिया। चलो जी, प्रांकुर ने तना बना दिया, मूलांकुर ने तना बना दिया। अब इस प्रांकुर के, ध्यान से सुनना, इस प्रांकुर के शीर्ष पर और मूलांकुर के शीर्ष पर, कहां पर, प्रांकुर के शीर्ष पर और मूलांकुर के शीर्ष पर मिल रहा है कौन, विपजोतक ऊतक। कहां कहां पर मिल रहा है, प्रांकुर के शीर्ष पर मिल रहा है, मूलांकुर के शीर्ष पर मिल रहा है कौन, विपजोतक ऊतक। इसका नाम याद रखना है आपने, क्या बेटा जी, शीर्षस्थ विपजोतक। क्या नाम देते हैं, शीर्षस्थ विपजोतक। अब आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया, इसके शीर्ष पर मिल रहा है। अरे तो प्रभु ये भी तो शीर्ष पर ही मिल रहा है, ये तने के शीर्ष पर मिल रहा है, ये मूल के शीर्ष पर मिल रहा है, ये भी क्या कहलाएगा, शीर्षस्थ विपजोतक। चले, इतनी सी बात समझ में आ गई है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब ये शीर्षस्थ विपजोतक जो है, एक पेड़ का जब निर्माण हुआ, ध्यान से सुनना बेटा जी, क्या इस परिस्थिति में पेड़ का निर्माण हुआ, नहीं, ये तो बीज था, बीज तो हमारे घर में भी है, हमारी रसोई में भी है, क्या वो पेड़ है, क्या नहीं, वो तो बीज है, है ना। लेकिन ये बीज जब अंकुरित होता है तभी तो पेड़ बनता है। अब जरा सोचिए, आपसे प्रश्न पूछा जाए, एक पेड़ का जब निर्माण होता है, एक पादप का जब निर्माण होता है, तो उसके अंदर मिलने वाला जो विपजोतक ऊतक होएगा, उसके अंदर एक पेड़ का जब निर्माण हो जाएगा, एक पादप का जब निर्माण हो जाएगा, एक छोटा सा चुन्नू 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 टाइप का जो पेड़ है, छोटा सा पेड़ है, उसके अंदर जो विपजोतक ऊतक मिलेगा, क्या मैं उसे प्राथमिक विपजोतक बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, क्या नाम दूंगा, प्राथमिक
विभज्योतक नाम दूंगा, याद रखना। तो ये चीज कतई मत भूल जाएगा मेरे बच्चे कि प्राथमिक विभज्योतक का मतलब वो विभज्योतक जो जब एक पेड़ का, एक पादप का, एक प्लांट का निर्माण होता है उसमें सबसे पहले मिलता है, उसमें सबसे पहले मिलता है, जैसे शीर्षस्थ विभज्योतक। कहां पर मिल रहा था? जब ये पेड़ बना तो इसके तने के शीर्ष पर, इसके मूल के शीर्ष पर क्या मिल रहा था? विभज्योतक ऊतक मिल रहा था। इसको हमने क्या बोला? प्राथमिक विभज्योतक। अब बेटा प्रश्न जो है ना क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या बनने वाला है, आपसे पूछ लिया जाएगा क्या शीर्षस्थ विभज्योतक प्राथमिक है कि द्वितीय है। आप सीधा आंसर देंगे शीर्षस्थ विभज्योतक कैसा होता है? प्राथमिक होता है, जो सबसे पहले एक पादप का निर्माण होता है तो उसमें मिलता है। दना डन डन, क्लियर है, चले आगे। अब देखिएगा मैं आगे क्या बनाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इसी पेड़ को, ये जो पेड़ है ना, इसी को मैं बनाने वाला हूं, देखना। ये हमारा तना, ये हमारी जड़, जड़ के भी शीर्ष पर क्या मिल रहा था बेटा जी? आपने बोला सर विभज्योतक। तने के भी शीर्ष पर क्या मिल रहा था? विभज्योतक। ठीक ठीक है, चले, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब इधर देखना क्या होने वाला है, ध्यान से देखना बेटा। ये तना वृद्धि करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? आप बोलेंगे हाँ सर करेगा। आप बोलेंगे सर मूल, मूल भी वृद्धि करेगी, करेगी ना, मूल वृद्धि करती जा रही, तना वृद्धि करता जा रहा। प्रभु जरा सोचो, ये वृद्धि कब होती है? जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है कि कम होती है? सोचो। आप बोलेंगे हाँ सर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। ये कोशिकाओं की संख्या कैसे बढ़ रही होगी? सोचो, कोशिकाओं की संख्या कैसे बढ़ रही होगी? आप सीधा बोलेंगे सर सर यहां पर ये जो विभज्योतक था, देखना यहां से यहां तुलना करना, यहीं पर था ना, यहां पर था, तुलना करना, देखो समान स्तर पर दिख रहा है, यहीं पर था ना, यहां पर विभज्योतक था। इस विभज्योतक ने और कोशिकाएं बनाई, विभाजित होती जा रही, विभाजित होता जा रहा है। कौन? विभज्योतक ऊतक। नहीं 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 नहीं, कोशिका बनाता जा रहा है और वो नई नई कोशिकाएं बदलती जा रही है किसमें? स्थायी ऊतक में। किसमें बदलती जा रही है? स्थायी ऊतक में। लेकिन रुको रुको रुको, वापस से सुनो, जिनको नहीं समझ में आए फिर से सुनो। देखो ये देखो 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 बेटा, ये हमारा क्या है? शीर्षस्थ विभज्योतक है, कोशिकाएं होंगी यहां पर। हमने बोला चलो जी ये लो शीर्षस्थ विभज्योतक, ऐसे देखते हैं, रुको ऐसे देखते हैं, रुको। ये हमारा शीर्षस्थ विभज्योतक यहीं पर मिल रहा है। देखो स्तर, देखो सेम स्तर पर मिल रहा है। हाँ जी देखिएगा, सेम स्तर पर मिल रहा है, समझना। जिनको अभी भी समझ नहीं है बड़े आराम से तसल्ली से समझाऊंगा। देखिए यहीं पर मिल रहा था ना बेटा जी विभज्योतक। हमने बोला हाँ सर यहीं पर मिल रहा है विभज्योतक। चलो ठीक है, अब आगे इस विभज्योतक ऊतक ने विभाजन किया और कोशिकाएं बनाई, बनाता गया। ऐसे देखिए, मैं बार बार क्यों हटा रहा हूं, कुछ कारण है। ये सबसे पहले यहां पर विभज्योतक जो यहां पर मिल रहा था, विभाजन किया और विभज्योतक ऊतक बनाया। चलो जी ठीक है, और विभज्योतक ऊतक बनाया। चलो जी ठीक है, और बनाया, बनाता जा रहा है विभज्योतक ऊतक। जरा सोचिए, पेड़ की लंबाई बढ़ रही है? आप बोलेंगे हाँ सर बढ़ रही है। नंबर ऑफ कोशिकाएं बढ़ रही है कि कम हो रही है? आप बोलेंगे सर बढ़ रही है। चलो अब देखिएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये जो विभज्योतक ऊतक आपको दिखाई दे रहा है, ये बदल गया किसमें? स्थाई में। ये किसमें बदल गया? स्थाई में। ये किसमें बदल गया? स्थाई में। ये किसमें बदल गया? स्थाई में। अब जरा सोचिए, वापस से टिप पर, वापस से तने के शीर्ष पर सोचो क्या मिल रहा है। आप बोलेंगे सर विभज्योतक मिल रहा है। उसके नीचे क्या मिल रहा है? आप बोलेंगे सर स्थाई मिल रहा है। जरा सोचिए, विभज्योतक ऊतक जो है वो विभाजन करता जा रहा है और बदलता जा रहा है किसमें? स्थाई में। तो जरा सोचिए, इस तने की लंबाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? और बढ़ाएं, चलो और देखो ये देखो,
कौन है शीर, कौन है ये हमारा शीर्षस्थ विभ्योतक है, ठीक है, और विभाजन किया और किया और शीर्षस्थ बनता जा रहा है और विभ्योतक ऊतक बनता जा रहा है, ऊपर की तरफ विभ्योतक ऊतक बनता जा रहा है और उसके नीचे की ओर ये विभ्योतक ऊतक बदलता जा रहा है, किसमें, स्थाई में और स्थाई में। तो लाल वाला जो रंग आपको दिखाई दे रहा है वो किस चीज को बता रहा है, स्थाई को, और काले वाला रंग जो आपको दिखाई दे रहा है वो किस चीज को बता रहा है बेटा जी, शीर्षस्थ विभ्योतक को। इतना तो समझ में आ गया कि शीर्षस्थ विभ्योतक कहां पर मिलेगा, शीर्ष में, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और पीछे की ओर छोड़ता जा रहा है छोड़ता जा रहा है, कोशिकाएं जिनमें से कोशिकाएं बदलती जा रही हैं, किसमें किसमें किसमें, आप बोलेंगे सर स्थायी ऊतक में, मैंने कहा वेल डन वेरी गुड, समझ में आ गया। अब जरा ना ध्यान से गौर से देखिएगा, देखिएगा गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जो मैं चीज अब आपको और बताने वाला हूं, देखना यहां तक चीज समझ में आ गई, चले आगे। अब आगे देखना, शीर्ष पर कौन है, आप बोलेंगे सर शीर्षस्थ विभ्योतक, चलो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, मल्टीप्लीकेशन करता जा रहा है, गुणन करती जा रही है विभ्योतक कोशिकाओं की, ये विभ्योतक ऊतक की कोशिकाएं करती जा रही है, चलो आप बोलेंगे ठीक है सर समझ में आ गया, ठीक है। अब पीछे की ओर किस में बदलती जा रही थी, आप बोलेंगे सर ये बदलती जा रही थी किसमें, स्थाई ऊतक में, मैंने कहा चलो जी ठीक है। लेकिन जरा बीच बीच में देखिएगा बेटा जी, बीच बीच में कहीं कहीं जगह पर विभ्योतक ऊतक बीच बीच में रह गया या नहीं रह गया, देखो क्या आपको दो स्थाई ऊतकों के बीच में विभ्योतक ऊतक दिख रहा है या नहीं दिख रहा, देखो काला काला कौन था, हाँ भैया काला काला कौन था, ये काला काला कौन था, ये काला काला कौन है, सोचिए ये काला काला कौन है, ये है मेरे भाई कौन, आपका विभ्योतक ऊतक ही तो है, कौन है ये, विभ्योतक ऊतक है, नहीं है क्या, आप बोलेंगे हाँ सर है भाई। देखो विभ्योतक ऊतक शीर्षस्थ जो था वो बढ़ता जा रहा है और नीचे की तरफ छोड़ता जा रहा है, क्या स्थायी ऊतक, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह पर कुछ कुछ विभ्योतक ऊतक नहीं बदले, किसमें, स्थायी ऊतक में नहीं बदले, जो नहीं बदले है ना ये जो नहीं बदले हैं ये वाले, इनको बोला जाता है अंतर्वेशी ऊतक, अंतर्वेशी विभ्योतक ऊतक, बताएं क्या बोला बेटा जी, अंतर्वेशी विभ्योतक ऊतक, तो जरा सोच समझ कर मुझे बताइएगा, एक पादप जब बना था तो सबसे पहला ऊतक जो उसके अंदर प्राथमिक मेरिस्टेम जो आया था, ऊतक मतलब सबसे पहला विभ्योतक ऊतक जो आया था, प्राथमिक विभ्योतक ऊतक जो सबसे पहला पादप बना था, बीज की बात नहीं कर रहा, भ्रूण की बात नहीं कर रहा, भ्रूण जब विकसित हो गया, बीज जब अंकुरित हो गया, पादप का जब निर्माण हुआ तो उस प्लांट के अंदर सबसे पहला विभ्योतक जो मिल रहा था वो था कौन, शीर्षस्थ, जो तने के शीर्ष पर था और मूल के शीर्ष पे था, ठीक है। फिर ये शीर्ष पर ये जो विभ्योतक है ये वृद्धि करता जा रहा है, संख्या बढ़ाता जा रहा है, मल्टीप्लाई करता जा रहा है और पीछे की तरफ छोड़ता जा रहा है, क्या कोशिकाएं, और वो कोशिकाएं बदलती जा रही है किसमें, स्थायी ऊतक में, किसमें बदलती जा रही है, स्थायी ऊतक में, समझ में आ गया। लेकिन कुछ कुछ जगह पर जो आपका विभ्योतक ऊतक जो रह गया था, जो नहीं कन्वर्ट हुआ, नहीं बदला, किसमें, स्थायी ऊतक में, उसको हमने बोला है अंतर्वेशी विभ्योतक ऊतक। और याद रखना है आपने कि प्राथमिक ऊतक जो था ना, प्राथमिक विभ्योतक ऊतक जो है, इसके हैं बेटा जी दो उदाहरण, इसके हैं दो उदाहरण, कौन कौन से, ध्यान से सुनना, एक है आपका शीर्षस्थ और एक है आपका अंतर्वेशी। अब ये चीज ना कई बच्चों को समझ में
नहीं आती है कि सर प्राथमिक का मतलब क्या था, तो बेटा प्राथमिक मेरिस्टेम का मतलब ये था कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो विभजोतक ऊतक जब एक पादप का निर्माण होता है, बीज का नहीं, बीज जब अंकुरित होकर पादप बनाएगा तो उस पादप के अंदर सबसे पहले जो मिलेंगे विभजोतक ऊतक, उनको हम बोलते हैं प्राथमिक, जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शीर्षस्थ, और यही शीर्षस्थ जब वृद्धि करता जा रहा था तो जगह जगह पर कुछ विभजोतक ऊतक छोड़ता जा रहा था जिनका नाम था अंतर्वेशी। अब आपने याद रखना है यही अंतर्वेशी, ध्यान से सुनना, यही अंतर्वेशी जो होंगे इन्हीं से निकलती हैं क्या कुछ कलिकाएं, इन्हीं से निकल रही हैं कुछ कलिकाएं, ध्यान से सुनना, इन्हीं से, इन्हीं अंतर्वेशी विभजोतक है ना, क्या है, विभजोतक है। अब ये जो विभजोतक है ये भी तो गुणन करेगा ना, विभजोतक है भैया, विभजोतक का कार्य तो क्या है, गुणन करना। अब इसने गुणन किया और एक कलिका का निर्माण कर दिया, और इस कलिका को हम बोलते हैं कक्षस्थ कलिका। और मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यही कक्षस्थ कलिका बदल जाएगी किसमें, पत्ती में, किसमें बदल जाएगी, पत्ती में, और उस पत्ती में मध्य शिरा होगी, वो पत्ती का पर्ण फलक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और इसकी जो मध्य शिरा है वो बदल जाएगी किसमें मेरे भाई, शाखा में, किसमें बदल जाएगी, शाखा में। अब जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, क्या ये चीज मैं आपको पहले नहीं बता चुका हूं, बताई है कि नहीं बताई है, सोचे, बताई है ना, बस खत्म। तो बेटा जी इस अंतर्वेशी विभजोतक ऊतक ने यहां पर किसका निर्माण किया था, कलिका का निर्माण किया, कक्षस्थ कलिका का निर्माण किया था, वही कक्षस्थ कलिका जो एक पत्ती पर भी मिलती है और पत्ती का निर्माण भी करती है, याद रखना, कक्षस्थ कलिका पत्ती पर भी मिलती है और पत्ती का निर्माण भी करती है। इसने पहले पत्ती का निर्माण कर दिया और फिर वो जो नई नई पत्तियां टहनियों पर आएंगी, शाखाओं पर आएंगी, उन पत्तियों पर फिर छोटी छोटी कलिकाएं मिलेंगी, फिर वो वृद्धि करेंगी, फिर और छोटी छोटी क्या निकल जाएंगी, शाखाएं निकल जाएंगी। तो कहने वाली बात जो थी ना मेरे भाई, वो ये कि ये अंतर्वेशी विभजोतक ऊतक ने, जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, जो कलिका बनाई थी उस कलिका ने आगे चलकर किसका निर्माण किया, पत्ती। और अब आप मुझे बताएं, क्या पत्ती की कोशिका, मूल की कोशिका और तने की कोशिका की अगर मैं बात करूं, तो क्या पत्ती की कोशिका, तने की कोशिका, मूल की कोशिका विभेदित है कि अविभेदित है? आप बोलेंगे सर विभेदित है, तो जरा सोचिए, अंतर्वेशी विभजोतक ऊतक ने क्या बनाया, स्थायी ऊतक नहीं बनाया क्या, पत्ती जो बनाई वो क्या थी, स्थायी ऊतक था या नहीं था, जो एक निश्चित कार्य कर रही थी या नहीं कर रही थी, बस। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि दो प्रकार के आपके क्या हैं, शीर्षस्थ और अंतर्वेशी, ये दो प्रकार के क्या हैं, आपके प्राथमिक विभजोतक ऊतक हैं, ठीक है। अब बेटा ये तो आपको समझ में आ गया ना कि प्राथमिक विभजोतक जो होता है, प्राथमिक विभजोतक जो होता है वो आगे चलकर किसका निर्माण कर रहा था, सोचो, दिमाग लगाओ, प्राथमिक विभजोतक आगे चलकर किसका निर्माण कर रहा है, प्राथमिक स्थायी ऊतक का। जैसे अभी अभी हमने देखा पत्ती का निर्माण हुआ या नहीं हुआ, आपने बोला हाँ सर हुआ था, उसमें जो ऊतक मिलेंगे वो स्थायी ऊतक है। सोचिए, अभी अभी मैंने आपको यही सारी चीजें तो बताई, ये शीर्षस्थ विभजोतक है ना, ये शीर्षस्थ विभजोतक, जरा सोचिए, वृद्धि करता जा रहा था और पीछे ये छोड़ता जा रहा था, क्या छोड़ता जा रहा था, ये लाल रंग के क्या थे, ये स्थायी ऊतक थे, इन स्थायी ऊतकों को मैं क्या बोलूंगा, प्राथमिक स्थायी ऊतक ये बोलूंगा, कॉमन सेंस ही बात है। जरा सोचिए, शीर्षस्थ विभजोतक वृद्धि करता जा रहा है, पीछे छोड़ता जा रहा है कोशिकाओं को, वो कोशिकाएं बदलती जा रही है किसमें, स्थायी ऊतक में, उन स्थायी ऊतकों को हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक स्थायी ऊतक। तो याद रखना कि प्राथमिक विभजोतक ऊतक जो थे, जैसे कौन, शीर्षस्थ
और अंतर्वेशी, ये आगे चलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? प्राथमिक स्थायी ऊतक का। जरा इतनी सी बात बताएं, समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं था, चलें आगे पक्का। अब ये जो प्राथमिक स्थायी ऊतक है, अब ये देखना बेटा थोड़ा सा टफ पड़ जाएगी ये वाली चीज समझना। ये विभज्योतक ऊतक कैसा था, जरा सोचिए, विभज्योतक ऊतक कैसा था? आप बोलेंगे सर अविभेदित था। मैं बोलूंगा हाँ अविभेदित था। स्थायी ऊतक कैसा होगा सर? विभेदित होगा। मैं बोलूंगा हाँ जी विभेदित होगा। अविभेदित कोशिकाएं जब विभेदित कोशिकाओं का निर्माण करती है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदीकरण। मैं बोलूंगा हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखना कुछ अलग होने वाला है। ये प्राथमिक स्थायी ऊतक बने हैं, क्या बने हैं? प्राथमिक स्थायी ऊतक। जैसे मैं उदाहरण बता देता हूं आपको, जाइलम, फ्लोएम, नाम सुना है आपने? जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्या ये नाम सुने? ये क्या है? ये मेरे भाई प्राथमिक स्थायी ऊतक है, याद रखना। क्या है ये? प्राथमिक स्थायी ऊतक। लेकिन सुनो, जाइलम भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक, अब मामला बिगड़ जाएगा, और एक होते हैं द्वितीय। अब पहले जो जाइलम सबसे पहले बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्राथमिक जाइलम कहलाएंगे। जो बाद में बनेंगे, जो जीवन में बाद में बनेंगे, वो क्या कहलाएंगे? द्वितीय जाइलम कहलाएंगे। अब मुझे बताना, प्राथमिक जाइलम किससे बनाया जाएगा? प्राथमिक विभज्योतक से बनाया जाएगा। तो अब जरा सोचे, द्वितीय जाइलम किससे बनाया जाएगा? आप बोलेंगे सर द्वितीय विभज्योतक, द्वितीय विभज्योतक कहां है? ये देखो, यही प्राथमिक स्थायी ऊतक बदलेंगे किसमें? द्वितीय विभज्योतक में। अब आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? है बेटा, प्लांट्स में होता है, जंतुओं में नहीं होता। द्वितीय विभज्योतक में बदलेंगे, और ये प्रक्रिया जो बदलने की होती है इसको बोलते हैं विभेदीकरण। मैं इसको ना एक अच्छे से एग्जांपल से बताऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। विभेदीकरण। अब ये जो द्वितीय विभज्योतक होता है, जिसका उदाहरण आपने याद रखना है पार्श्व, पार्श्वीय विभज्योतक, इसका उदाहरण आपने याद रखना है पार्श्वीय विभज्योतक, ठीक है? ये पार्श्वीय विभज्योतक जो कौन है? द्वितीय विभज्योतक है। ये वापस से, अब जरा सोचिए, ये कौन है? विभज्योतक आ रहा है, यानी ये वापस से कैसे अविभेदित है। ये वापस से विभेदीकरण करेगा और क्या बनाएगा? द्वितीय स्थायी ऊतक। अब आप बोलेंगे सर ये क्या चल रहा है, माथे के ऊपर से जा रहा है। अभी एक उदाहरण से बता रहा हूं, समझना, ध्यान से सुन। अब ये जो प्रक्रिया होती है, ये वापस से अविभेदित था और ये क्या हो जाएगा? विभेदित हो जाएगा। अब ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं पुनः विभेदीकरण, ठीक है? देखिए, विभेदीकरण समझ में आ गया। वापस से अगर विभेदीकरण होएगा उस समय क्या बोलूंगा? पुनः विभेदीकरण। ये है विभेदीकरण। अब साहब है क्या, मैं एक बड़े अच्छे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देखना। देखिए, जब हम सभी लोग दसवीं कक्षा में थे, टेंथ क्लास में थे, ठीक है, तो हम साइंस भी पढ़ते थे, हम मैथ भी पढ़ते थे, हम सारी चीजें पढ़ते थे। क्या ये निश्चित हो गया था कि हम बायो ही पढ़ेंगे? नहीं, टेंथ में सब कुछ पढ़ रहे थे, यानी उस समय हम विभेदित थे। क्या हमें बांट दिया था कि मैथ वाले अलग हैं, बायो वाले अलग हैं? नहीं ना, यानी उस टाइम सब कुछ पढ़ रहे थे, यानी टेंथ क्लास में हम कैसे थे? अविभेदित थे ना, अविभेदित। लेकिन जब हम 11वीं कक्षा में आए, 11th क्लास में, तो हमारा क्या हो गया? विभेदीकरण हो गया, यानी हम विभेदित हो गए। क्या हो गए? विभेदित हो गए। क्या हो गए भैया? विभेदित हो गए। कि भैया मैंने बायो पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे दोस्त ने मैथ्स ले ली, यानी क्या हो गया? विभेदीकरण हो गया 11वीं कक्षा में, हो गया विभेदीकरण, विभेदित हो गए। क्या पढ़ रहे हैं 11th क्लास में?
बायो पढ़ रहे हैं। चलो जी अब चलो, अब 11th क्लास में भी बायो पढ़ ली, 12th क्लास में भी हमने क्या पढ़ ली, बायो, और हमारा सिलेक्शन हो गया किसमें, नीट के एग्जाम में। मान लेते हैं हमारा सिलेक्शन हो गया किसमें, नीट के एग्जाम में। हम जाकर बन गए डॉक्टर। क्या कर रहे हैं अब जरा सोचिए, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, MBBS। अब हम क्या कर रहे हैं, MBBS, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, MBBS की जब पढ़ाई होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, वो जो 5.5 साल की, वो पढ़ाई सबके लिए कॉमन है। किसके लिए, सोचिए, एक आंखों का डॉक्टर होता है वो भी MBBS करता है, एक हृदय का डॉक्टर होता है वो भी MBBS करता है, एक दिमाग का डॉक्टर है वो भी MBBS कर रहा है, यानी सभी डॉक्टर्स को क्या करनी पड़ रही है, MBBS करनी पड़ रही है। लेकिन बाद में जाकर कोई आंखों का डॉक्टर बनता है, कोई हृदय का बनता है, कोई त्वचा का बनता है, कोई दिमाग का बनता है। जरा सोचिए, बाद में फिर से विभेदीकरण हुआ या नहीं हुआ, आंखों का, त्वचा का, है ना, हृदय का, होते हैं ना, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, दांतों के होते हैं, ओडोंटोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, अब यहां पर जब आपने डॉक्टर अलग अलग प्रकार के बना दिए, यानी आपने उनके कार्य को क्या कर दिया, विभेदीकरण कर दिया, यानी ये कैसे होंगे, विभेदित होंगे। लेकिन ये विभेदित किससे बने हैं, ये जब हम MBBS की डिग्री कर रहे थे तब हम वापस से अविभेदित हो गए थे या नहीं हो गए थे, जरा सोचिए। जब हम MBBS की डिग्री कर रहे थे, यानी ऐसी डिग्री जो सभी के लिए समान थी, जो आगे जाकर आप स्पेशलाइजेशन करेंगे, यानी आप विभेदीकरण कर रहे हैं, तो जरा सोचिए, अविभेदित से पहले क्या हुए थे, विभेदित, फिर विभेदित से जब MBBS कर रहे थे वापस से क्या हुए, अविभेदित, फिर MBBS करने के बाद में जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, MD की डिग्री होती है, मास्टर डिग्री होती है, उसमें आप अलग अलग शरीर के अंगों के क्या बनते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, फिर वापस से क्या हो जाता है, विभेदित हो जाते हैं। तो जरा सोचिए, क्या ये पुनः विभेदीकरण है, ये विभेदीकरण था, और यहां से इस क्लास से सिलेक्शन लेने के बाद जब आपने नीट का एग्जाम क्लियर करा, आप MBBS करने गए, यानी आप विभेदित से क्या हो रहे थे, अविभेदित हो रहे थे। बस वही चीज यहां पर थी, वही चीज यहां पर थी, क्या कि प्राथमिक विभजोतक क्या था, वो जो जीवन में सबसे पहले इस पेड़ के अंदर आया था, जैसे शीर्षस्थ और ये शीर्षस्थ छोड़ता जा रहा था, क्या अंतर्वेशी सबसे पहले आए थे, और ये क्या करते जा रहे हैं, ये स्थायी ऊतक बनाते जा रहे हैं, क्या बनाते जा रहे हैं, ये स्थायी ऊतक बनाते जाएंगे, वो स्थायी ऊतक जो जीवन में सबसे पहले पेड़ में आएंगे क्या कहलाएंगे, प्राथमिक स्थायी ऊतक, सिंपल सा था ना, क्या कहलाएंगे, प्राथमिक स्थायी ऊतक, है ना। फिर ये जो प्राथमिक स्थायी ऊतक जो है, ये बेचैन हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे किसमें, वापस से फिर से विभजोतक ऊतक में। अब ये विभजोतक ऊतक, ये विभजोतक ऊतक जो लाइफ में फिर से बने हैं, दूसरी बार बने हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्राथमिक के द्वितीय, आप बोलेंगे सर द्वितीय, अब ये द्वितीय विभजोतक वापस से विभेदीकरण करेगा, क्या बनाएगा, स्थायी ऊतक। अब ये स्थायी ऊतक जिंदगी में, पादप की जिंदगी में दूसरी बार बन रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, आपके द्वितीय स्थायी ऊतक कहलाएंगे ना। अब द्वितीय स्थायी ऊतक कौन से होते हैं, देखिए द्वितीय विभजोतक ऊतक तो मैंने आपको बता दिया पार्श्व, द्वितीय स्थायी ऊतक कौन से होते हैं, जैसे पुलिए कैम्बियम, पुलिए कैम्बियम, ठीक है, अंतरा पुलिए कैम्बियम, अंतरा पुलिए कैम्बियम, और कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं, ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगे कौन से, पुलिए कैम्बियम, अंतरा पुलिए कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये समझ में अभी नहीं आएंगे, ये जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो ये सारे शब्द धीरे धीरे आएंगे, अंतरा पुलिए कैम्बियम, अंतर पुलिए कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, है ना, एधा क्या होता है, ये सारी चीजें धीरे धीरे कर कर आएंगी। बस एक ओवरव्यू आपका बना है या नहीं बना, कि मान लो इसको ना अपने ऊपर उदाहरण लो, मान लो मैं एक पादप बिल्कुल नया नया बना हूं, मेरे अंदर जो सबसे पहले विभजोतक ऊतक जो मेरी तने की शीर्ष पर और मेरी मूल की शीर्ष पर मिल रहे थे, वो क्या कहला रहे थे,
शीर्षस्थ विपजोतक जो सबसे पहले थे और वो छोड़ते जा रहे थे जगह जगह पर, क्या अंतर्वेशी विपजोतक, वो जिंदगी में पहली बार विपजोतक आए थे, कौन से, ये वाले, ये दोनों, इनको हमने क्या बोला, प्राथमिक मेरिस्टेम, और यही इस पेड़ को वृद्धि करा रहे थे, लंबाई बढ़ा रहे थे, ये दोनों क्या बढ़ाते जा रहे, लंबाई बढ़ाते जा रहे, लंबाई बढ़ाते जा रहे, अंतर्वेशी भी वृद्धि करेगा और वृद्धि करेगा यहां पर तो और स्थायी बनाता जाएगा, लंबाई बढ़ा रहा है, और पार्श्व जो यहां पर कक्षस्थ कलिका थी उनका भी निर्माण कर रहा है, वो आगे पत्तियां बना रही है, शाखाएं बना रही है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है ना, समझ में आ गया, तो चलो जी ये तो समझ में आ गया। अब ये जो प्राथमिक विपजोतक थे इन्हीं के कारण तो प्राथमिक स्थायी बने थे ना, अब ये प्राथमिक स्थायी धीरे 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 बदल गए परिस्थिति के अनुसार किसमें, द्वितीय विपजोतक में, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विविभेदीकरण, डी डिफरेंशिएशन, इंग्लिश में बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये क्या था, डिफरेंशिएशन, और आखिरी वाला जो है उसे हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो बस इतना ही याद रखना है आपने किसमें बेटा, ये जो आज हमने पूरा क्या देखा है, पूरा का पूरा जो विपजोतक ऊतक देखा है इसमें बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अभी समय हुआ है बेटा जी किस चीज का, जो हमने पढ़ा है वो रिवाइज करना है, सीधा मैंने आपको बताया विभजोतक ऊतक शब्द किसने दिया, काल नेगली ने, अविभेदित कोशिकाएं थी जो लगातार विभाजन कर रही है, स्थायी ऊतक बना रही है, इनकी कोशिकाएं छोटी होती है, कोशिका द्रव्य सघन होता है, बड़ा सा केंद्रक मिलता है, अंतर कोशिकीय अवकाश इनमें नहीं होता, ये कहीं ना कहीं शीर्षस्थ सबसे पहले बनता है, कौन सा बेटा जी आपका, जब पेड़ बनता है बीज के अंदर नहीं, बीज में जो विभजोतक ऊतक मिल रहा था वो पूर्व विभजोतक ऊतक था जिसको हमने भ्रूणीय ऊतक बोला था, ठीक है, वो जब बीज अंकुरित होगा तो जब पादप का निर्माण होगा, छोटा छोटा जो बिल्कुल नया नया पादप बना उसके अंदर जो विपजोतक मिलेंगे वो क्या, प्राथमिक विपजोतक होंगे, जो दो होते हैं शीर्षस्थ और अंतर्वेशीय, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये क्या बनाते जाते, स्थायी ऊतक बनाते जाते, कौन, प्राथमिक विपजोतक, क्या बनाते हैं, प्राथमिक स्थायी बनाते हैं, फिर वो प्राथमिक स्थायी द्वितीय विपजोतक बनाते हैं, द्वितीय विपजोतक फिर बाद में द्वितीय स्थायी बनाते हैं, इस तरीके से ये चलती रहती है प्रक्रिया किसमें, पादप में, समझ में आ गया। चले आगे, अब समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, फर्स्ट, विपजोतक शब्द किसने प्रतिपादित किया था, ग्र्यू ने, नागेली ने, हैबरलैंड ने, कोपलैंड ने, सोच समझकर आंसर दीजिएगा, विपजोतक शब्द किसने प्रतिपादित किया था, शब्द, चलिए दूसरा प्रश्न बेटा, उपरोक्त में से कौन प्राथमिक विपजोतक ऊतक नहीं है, प्राथमिक विपजोतक ऊतक नहीं है, सॉरी प्राथमिक विपजोतक ऊतक है, शीर्षस्थ अंतर्वेशी दोनों ए और बी या कोई नहीं, इनमें से कौन प्राथमिक विपजोतक ऊतक है, चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। यहां पर पहला प्रश्न था विपजोतक शब्द किसने प्रतिपादित किया, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कार्ल नागेली ने किया था या नहीं किया था, दिया था ना विपजोतक शब्द। दूसरा, कौन सा प्राथमिक विपजोतक है, दो बताए थे आपको, शीर्षस्थ भी बताया अंतर्वेशी भी बताया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों आपके जीवन में सबसे पहले बनने वाले पेड़ के अंदर जो विपजोतक होते हैं ये दोनों होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये था आज का क्विज, होमवर्क मिल जाएगा नीचे होमवर्क सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो बात करेंगे किसकी, ऊतक की, लेकिन कौन सा, स्थाई ऊतक, क्योंकि पढ़ लिया हमने कौन सा, विपजोतक, ठीक है, मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में, ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।